प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता नरेश चौहान ने केंद्र सरकार पर 4.5 सालों में पूरी तरह से फेल होने के आरोप लगाए हैं। लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। प्रदेश सरकार पर नौकरशाही पर पकड़ न होने के आरोप लगाते हुए नरेश चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार को आरएसएस चला रही है। अन्य राज्यों की तरह प्रदेश सरकार को तेल पर वैट कम कर लोगों को राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। डेली आप 40 पैसे 50 पैसे डीजल और पेट्रोल बढ़ रहे, आज जहां कीमतें हैं ये कल्पना भी नहीं कर सकते लोग कि 90 रुपए के हिसाब से देश में पेट्रोल बिकेगा और 74 रुपए के हिसाब से डीजल बिकेगा। और आज वो हालात है कि जब आज इंटरनेशनल मार्केट में $58 प्रति बैरल के हिसाब से आपको तेल मिल रहा है तो आपने आज प्राइसेस इतने हैं। और यूपीए सरकार में जिस तेल की कीमत $130 प्रति बैरल थी तो आज उस वक्त पेट्रोल 62 रुपए से ऊपर नहीं गया था। आज आप चुप क्यों हैं? देश के सामने जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि डीजल और पेट्रोल को इमीडिएटली जीएसटी के अंदर लाके देश की जनता को राहत दिलाई जाए। और हम स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि आप जो है वैट कम करके प्रदेश की जनता को राहत दीजिए। क्या आपकी योजना क्या है? आपने मुंह बंद कर दिया। वहीं कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को शक्ति देने के लिए 23 सितंबर को शक्ति नाम से योजना शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सीधे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी से जुड़ सकेंगे। माननीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की एक सोच है कि वो एक अपना डेटा बैंक तैयार करना चाहते हैं, जिस डेटा के जरिए वो करोड़ों कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सीधे तौर पे पार्टी हाईकमान से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने निकाला है, शक्ति। शक्ति एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए आम कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे बैठा है, 10 से 20 लोगों का एक टारगेट रखा गया है कि इसके जरिए वो अपना एक उस नंबर पे अपना वोटर आईडी का जो नंबर है वो उसको एसएमएस करेगा और उसके बाद उसका पूरा डाटा जो है हमारा जो सर्वर है कांग्रेस पार्टी का उस पे चला जाए। तो उस तरह से करोड़ों लोगों को जोड़ने का और सीधे तौर पे उसका उनका डाटा तैयार करने का, जिससे जो हमारा लीडरशिप, हमारे पार्टी अध्यक्ष या नेशनल लेवल की लीडरशिप जो भी अपनी बात और विचार है विद इन नो टाइम उन करोड़ों कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच बनाना चाहते हैं और वो कार्यकर्ता भी अपनी सीधी बात अपने लीडरशिप तक उस ऐप के जरिए पहुंचा सकते हैं। योजना के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को अपने मोबाइल नंबर से वोटर आईडी कार्ड नंबर एसएमएस करना होगा, जिसके बाद कार्यकर्ता राहुल गांधी से सीधे जुड़ सकते हैं और उन तक अपना संदेश भी पहुंचा सकते हैं। याचिका